नमस्कार दोस्तों, लॉ की बात में आप सबका स्वागत है। आज लॉ की बात में हम अपने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के ही जवाब देंगे। जैसा कि मैं अपनी हर लॉ की बात में आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको लगता है कि मुझे किसी विशेष लॉ पे या किसी विशेष विषय पे अपनी लॉ की बात करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के हमें बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी मेरे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी लिख के बता सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे दर्शकों ने हमसे कई सवाल पूछे, जिनमें से चार सवाल मैंने शॉर्टलिस्ट किए जो मुझे लगा कि मैं अपनी आज की लॉ की बात में जिनके जवाब दे पाऊंगा या ढूंढ पाएंगे हम मिलके। तो आज जो चार सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किए, आइए जानते हैं वो चार सवाल जिनके जवाब हमें इस वीडियो में मिलेंगे वो क्या हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या हर अपराध में किसी संदिग्ध या किसी आरोपी को अरेस्ट करने से पहले पुलिस अधिकारी को अरेस्ट वारंट की आवश्यकता होती है। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा है दर्शकों ने, वो हमारी पिछली दो वीडियो के संबंध में है, क्योंकि हमारी लास्ट दो वीडियो आपको याद हो तो एक वीडियो FIR पे थी और एक वीडियो जीरो FIR पे थी, और इन दोनों ही वीडियो में हम इस कॉन्क्लूजन में पहुँचे थे कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के विषय में जानकारी मिलती है तो उस पुलिस अधिकारी का दायित्व है, और वह पुलिस अधिकारी इस बात के लिए बाध्य है कि वह उस ऑफेंस के विषय में FIR लिखे। इन दोनों ही वीडियो मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस शब्द का प्रयोग कई मर्तबा किया था। तो इसी संबंध में मुझे बहुत लोगों ने लिख के आग्रह किया या अनुरोध किया कि मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है इस विषय में एक अलग वीडियो बनाऊँ। तो आज हम दूसरा जो सवाल जिसका जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में वो है कि वॉट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तीसरा सवाल जो दर्शकों ने पूछा वो ये था कि क्या कोई पुलिस अधिकारी मात्र आरोपों या संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकता है या आपको अरेस्ट कर सकता है। और चौथा और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कह लें या लोग जिसका जवाब जानने के लिए आतुर हैं, वो सवाल था कि CBI ने अभी तक रिया चक्रवर्ती जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो इस वीडियो में हम इन चारों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। आइए हम अपने सवाल जाने, उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक अनुरोध करूँगा कि आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया हमारे YouTube चैनल में आके सब्सक्राइब, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम अगली अपनी जो भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक स्वयं पहुँच जाए। यदि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य आपको इस वीडियो का लिंक होगा, आप उसमें क्लिक करके यहाँ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अपने पहले सवाल का जवाब जानते हैं। पहला सवाल है कि क्या हर अपराध में किसी पुलिस अधिकारी को आरोपी या किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर उसको संदेह है उसको अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। तो दोस्तों फ़र्ज़ कीजिए किसी रात को आप नाइट शिफ्ट के बाद अपने घर आ गए हैं, 2-3 बजे सन्नाटा या रात का, सड़क पे आप अपने घर की तरफ पैदल आ गए और रास्ते में दो लोग चाकू लेके आपके पास आए और आपको लूटने की कोशिश करते हैं। इतने में ही रात को जो बाइक में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पुलिस की बाइक वहाँ आती है और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, मतलब क्या वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी वहीं रुकेगा और दूसरे पुलिस अधिकारी को कहेगा जाओ तुम अरेस्ट वारंट लेके आओ तब हम इन अपराधियों को या इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, या फिर वो उन अपराधियों को उन आरोपियों को थाने तो ले जाएंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, थाने लेके चले जाएंगे अपने साथ और थाने में उनको बिठाएंगे, कहेंगे आप चाय पानी पीजिए, हम कल सुबह तक अरेस्ट वारंट लेके आते हैं, आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। आपको ऐसा लगता है? ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना और ना ही मैंने कभी देखा। और कॉमन सेंस भी ये नहीं कहती, कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर पुलिस को कोई अपराध, संगीन अपराध होता हुआ दिखता है या किसी व्यक्ति पे संगीन अपराध करने का आरोप है या संदेह है तो पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर सकती है, ताकि वो भाग ना जाए या एविडेंस के साथ छेड़खानी ना करे या विटनेसेस को टेम्पर ना करे। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब है नो, हर अपराध में पुलिस को अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कड़ी में हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, जो इसी से संबंधित है। दूसरा सवाल है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अब पहले सवाल की और तीसरा जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसकी ज़्यादा क्लैरिटी आपको अब इस जवाब से मिल जाएगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस असलियत में है क्या। दोस्तों यदि हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस समझना है तो
तो हमें चलना पड़ेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2C पे। सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एंड ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट स्केड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिन ऑफेंस के संबंध में पुलिस ऑफिसर को, किसी पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है कि वह पुलिस ऑफिसर स्केड्यूल 1 की अकॉर्डेंस उसके आधार पे या उसके अनुसार या कोई अन्य लॉ जो अभी लागू हो रखा है उस लॉ के अनुसार गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट, बिना वारंट के। तो लिटरल मीनिंग अगर डेफिनेशन हम देखें, अगर लीगल डेफिनेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो हो गई ये। लेकिन इसमें हमें अगर समझना हो और अच्छे से कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं क्या, इतने सारे ऑफेंस हैं, कैसे समझ में आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, तो उसके लिए इसी डेफिनेशन में बताया है इन अकॉर्डेंस विद स्केड्यूल 1। तो हमें चलना पड़ेगा स्केड्यूल 1 में। दोस्तों स्केड्यूल 1 जो CRPC का है, उस स्केड्यूल में दो टेबल दे रखी हैं। पहली टेबल तो वो टेबल है जिसमें IPC के सारे अपराधों की सूची दे रखी है, और उस टेबल के चौथे कॉलम में बताया गया है कि वह अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब हम सब अपराध तो डिस्कस नहीं कर सकते, और किसी भी व्यक्ति को सब अपराध के विषय में नहीं याद हो सकता IPC के, बहुत सारे सेक्शन 511 सेक्शन IPC में। तो इसका कोई प्रिंसिपल या कोई थंब रूल है? इसका प्रिंसिपल देने की कोशिश टेबल 2 में दी गई है। टेबल 2 में IPC के अलावा अन्य लॉ में, लॉ के तहत यदि कोई अपराध होता है तो उसके विषय में बताया है कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे डिसाइड होंगे। टेबल 2 में कहा गया है कि यदि किसी अपराध की सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा है तो वो अपराध कॉग्निजेबल माना जाएगा, यानी कि उस अपराध में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और यदि किसी अपराध में सज़ा 3 साल से कम है तो उस अपराध को नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा, यानी पुलिस उस अपराध में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन ये प्रिंसिपल यदि किसी स्पेसिफिक लॉ में, जैसे IT एक्ट, पॉक्सो हो गया, यदि उसमें किसी 3 साल से कम ऑफेंस में ये कहा गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल माना जाएगा, तो ये प्रिंसिपल वहाँ लागू नहीं होगा। और वाइस वर्सा, यदि कोई अपराध जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है और उसमें ये कहा गया है कि इस अपराध को कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा, तो वो जो वहाँ लागू लॉ लागू किया गया है, वहाँ जो लॉ लिखा है वो माना जाएगा, ये प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा। अब ये प्रिंसिपल के बहुत सारे एक्सेप्शन IPC में भी हैं, क्योंकि लोग जनरली कह देते हैं कोई भी संगीन अपराध, रेप, मर्डर, एक्सट्रॉशन, डकैती, सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। जी हाँ, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, लेकिन हर अपराध जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है हमेशा तो कॉग्निजेबल IPC में नहीं है, और बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनकी सज़ा बहुत कम है लेकिन वो कॉग्निजेबल है। उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप ले सकते हैं सेक्शन 143, यदि आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो आपको सज़ा तो सिर्फ मिलेगी 6 महीने की, लेकिन ये अपराध को कॉग्निजेबल की श्रेणी में डाला है। आप दूसरा ऑफेंस ले सकते हैं 279, सेक्शन 279 IPC का, ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक रोड, पब्लिक वे, रैशली और नेग्लिजेंटली, इन अ वे कि आप जो लाइफ है उसको इनडेंजर करें, ह्यूमन लाइफ को, इस अपराध की सज़ा भी 6 महीने या फाइन दी गई है। बावजूद इसके इस अपराध को कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में रखा, यानी पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। तीसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं 294, यदि कोई व्यक्ति ऑब्सीनिटी करता है, ऑब्सीन सॉन्ग्स गाता है, तो उसके लिए उसको सज़ा तो सिर्फ 3 महीने की मिलेगी, लेकिन इस ऑफेंस में भी पुलिस को अधिकार है कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जिनमें सज़ा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अपराध जो है कॉग्निजेबल नहीं रखे हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल रखे हैं, मतलब पुलिस उसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं 193, यदि आप किसी कोर्ट में, किसी ट्रायल में झूठी गवाही देते हैं या फैब्रिकेटेड एविडेंस देते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है 7 साल तक की, लेकिन इस अपराध को, बहुत संगीन अपराध है, लेकिन उसके बावजूद इस अपराध को नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में रखा है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गवाही देते हैं ऐसे केस में जिस केस में कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है आरोपी को, तो आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। बावजूद इसके इतना संगीन अपराध और इतनी ज़्यादा सज़ा होने के बावजूद भी पुलिस इसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। एक और यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं 495 का, बाइगेमी, जो हमने मतलब पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शादी होते हुए, अपने स्पाउस के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, और जिससे दूसरी शादी करता है उससे ये फैक्ट छुपाता है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, तो उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा हो सकती है।
लेकिन इस अपराध को भी कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब हो गया। मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया, बहुत समय दिया इस चीज़ को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर अभी भी कोई कमी कसर रह जाए समझने में कॉग्निजेबल ऑफेंस को। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा था कि क्या एक पुलिस अधिकारी आपको सिर्फ संदेह या आरोप के आधार में गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है। यदि उस पुलिस अधिकारी को आप पे संदेह है या आप पे कोई स्पेसिफिक आरोप लगा है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के संबंध में, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के, और आपको उसके साथ कॉपरेट ने, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको उसके साथ वारंट मांगने की आवश्यकता नहीं। आप उसके साथ कॉपरेट कीजिए, अपने वकील, अपने मित्र, अपनी फैमिली को बता दीजिए जी मैं पुलिस के साथ जा रहा हूँ, और जो भी प्रोसीडिंग आगे होगी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में सिर्फ संदेह और आरोप यदि किसी ने आप पे लगाया, इसके आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आइए चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, जिसका आप सब लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। चौथा सवाल है हमारा कि सीबीआई ने सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए दोस्तों, ये तो सत्य है कि रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन हैं, और जो FIR में उन पे सेक्शंस लगे हैं उनमें से 6 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सज़ा है और वो कॉग्निजेबल हैं। यदि सज़ा ज़्यादा नहीं भी है तो भी वो कॉग्निजेबल है, जिनमें से जो हैं 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कॉग्निजेबल है, 1 साल की सज़ा है। तीसरा अपराध है 380 थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस, कॉग्निजेबल है और 7 साल की सज़ा है। चौथा अपराध है 406 IPC का, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉग्निजेबल है और 3 साल की सज़ा है। पांचवा अपराध है 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो कॉग्निजेबल है और जिसकी सज़ा 7 साल तक है। और छठा अपराध है सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, जो कॉग्निजेबल है और जिसकी सज़ा 10 साल तक की है। अब समझने वाली बात यह है, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट करने के लिए यदि उनको संदेह है या सीधा आरोप है तो अरेस्ट कर सकता है। इस केस में संदेह पूरी दुनिया को है, मतलब पूरी मीडिया ने तो मतलब सभी कुछ बता रखा है, डेली प्राइम टाइम पर वही आ रहा है, और उनके पिताजी ने सीधा सीधा FIR में वो फर्स्ट प्राइम एक्यूज्ड हैं, लिखित उनका नाम लिखा गया है, नाम दर्ज है FIR में, तो पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसको समझने के लिए मैं आपको वापस लेके जाना चाहूँगा CRPC के सेक्शन 2C, जहाँ मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया था। उसमें लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच, और कॉग्निजेबल केस इज अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे, सारा खेल इस शब्द मे का है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस में एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, मे नॉट शेल, अरेस्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि उसकी बुद्धि उसको कहती है मुझे इसको अरेस्ट करना चाहिए तो वो अरेस्ट करेगा, ये उसका डिस्क्रिशन है कि वो अरेस्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता। यदि उसको लगता है कि ये नहीं भागेगा या एविडेंस से टेम्परिंग नहीं करेगा या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस या डराने की कोशिश नहीं करेगा, तो हो सकता है पुलिस अधिकारी अरेस्ट ना करे। कोई बाध्यता नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने FIR लिखी तो पुलिस अधिकारी को अरेस्ट करना ही है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है मे, कि अरेस्ट क्यों नहीं किया। अब मे का इस अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसके कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है डिले इन फाइलिंग FIR। तो दोस्तों, किसी भी केस जिसमें जो इवेंट हुआ है, अपराध हुआ है, और उस अपराध के विषय में जो FIR लिखी, यदि उसमें गैप होता है, डिले होता है FIR लिखने में, और अपराध होने के बाद FIR लिखने में यदि डिले होता है, तो उन केसेस में जो आरोपी है या जो संदिग्ध है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। यदि पुलिस अरेस्ट भी करती है तो बड़ी आसानी से बेल मिलने का एक बहुत बड़ा ग्राउंड ये भी होता है कि इतने टाइम क्यों FIR नहीं लिखी। तो इस केस में जो सुशांत सिंह जी की मृत्यु हुई वो 14 जून को हुई थी, लेकिन जो FIR रजिस्टर हुई बिहार में वो 25 जुलाई को हुई। लगभग FIR लिखने में लगभग डेढ़ महीने का डिले हो गया। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि CBI अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि FIR लिखने में इतना बड़ा डिले था। दूसरी इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से वो अरेस्ट नहीं कर रहे वो है कि जो FIR तो 25 जुलाई को लिख ली गई, बावजूद उसके 19 अगस्त को जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तब तक फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। असली इन्वेस्टिगेशन आप देख रहे होंगे, अब इन जो डेली बुला रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है,
इंटरोगेशन कहें उसको, तो वो सब जो भी हो रहा है वो 19 अगस्त के बाद स्टार्ट हुआ। तो देयर इज़ अ डिले इन इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन। असलियत में एक FIR होने के बाद 90 दिन में, 60 से 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन ही इंसिडेंट के लगभग 66 दिन बाद स्टार्ट हुई है, और FIR होने के भी लगभग आप लगा लीजिए 1 महीने बाद, 3 हफ्तों बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट हुई है। तो एक बहुत बड़ी वजह CBI का रिया चक्रवर्ती जी को या अन्य आरोपियों को अरेस्ट ना करने का ये भी है। और मुझे क्या लगता है कि CBI अभी अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि CBI वेट कर रही है। CBI को यदि कोई ठोस एविडेंस या कोई और नई एविडेंस की रिकवरी हो जाए इन लोगों के बयानों से, तो वो एक स्ट्रॉन्ग केस बना के इनको अरेस्ट करना चाहेगी। क्योंकि थैंक्स टू मुंबई पुलिस कि इस केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में बहुत लैचेस आ चुके हैं या बहुत लैक्यूना रह गया है, बहुत सारी कमियां रह गई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्रॉपर नहीं है और बहुत सारे मतलब चीज़ें, मतलब आपका जहाँ क्राइम हुआ वो सीन, वो स्पॉट भी प्रिजर्व नहीं किया गया, बहुत सी कमियां रह चुकी हैं। तो CBI भी जानती है सिर्फ खानापूर्ति के लिए अरेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो वेट कर रही है कि कोई ठोस सबूत उनके हाथ में आ जाए तो अवश्य CBI इसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट अभी भी कर सकती है, लेकिन मैं बताया आपको कि क्यों अरेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अरेस्ट करें और अरेस्ट करते ही बेल मिल जाए, तो फिर बेल पूरे ट्रायल के लिए एक बार में मिल जाती है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन था आप सबका, रिया चक्रवर्ती जी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, मुझे लगता है ये उसका कंप्लीट जवाब यही है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर, हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर ही हो ऐसा नहीं होता, मतलब CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप लोग शायद मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट ना करने की वजह कुछ और है। अरेस्ट ना करने, कोई और भी केस होता तो CBI इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं करती। अगर रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई और भी व्यक्ति होता तो शायद CBI कोशिश करती कोई गवाह कोई सबूत मिल जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की इस लॉ की बात आपको पसंद आई होगी और इसमें इससे संबंधित जो लॉ में हमने डिस्कशन किया वो आपको समझ में भी आए होंगे। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि हमारा जो हमने एक मुहिम चलाई है कि लॉ की बात को या लॉ की जानकारी को आम जनता तक पहुँचाना, आप उसमें हमें सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी मुहिम में आगे बढ़ सकें और हमारी मेहनत का फल, जो हमारी कोशिश है वो पूर्ण हो पाए। तो इसी अनुरोध के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सबसे मैं विदाई लेता हूँ अगली लॉ की बात तक के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।